नोएडा की रेव पार्टी एल्विश यादव की वजह से चर्चा में आई थी। एल्विश यादव पर रेव पार्टी में जहरीले सांप और विष का इंतजाम करने का आरोप था। इस मामले में FSL की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में सांपों के जहर होने की पुष्टि की गई है। माना जा रहा है कि यह रिपोर्ट सामने आने के बाद एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में एल्विश यादव सहित 6 लोगों से पूछताछ की गई थी। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। रेव पार्टी में नशे के लिए सारे नियम तोड़ दिए जाते हैं। सांपों के विष से किक मिलता है, वही जानिए और क्या क्या होता है इन रेव पार्टी में, जिसमें लोग नशे के लिए हद पार कर जाते हैं। चलिए बताते हैं कि आखिर रेव पार्टी में होता क्या है। पिछले कुछ सालों में दिल्ली NCR में रेव पार्टियों का कल्चर बढ़ गया है। साफ कहें तो यह कुछ अमीरों की चौचलेबाजी और शो ऑफ करने का तरीका है। उन्हें इन पार्टियों में जाकर वह किक मिलता है जिसे वे अपना सुकून कहते हैं। उनकी नजरों में ये पार्टियां नॉर्मल सी बात है। हालांकि पिछले कुछ सालों में युवाओं के बीच रेव पार्टी का क्रेज बढ़ा है। इसके लिए सीक्रेट तरीके से सोशल मीडिया ग्रुप बनाया जाता है। इन व्हाट्सएप ग्रुप में रेव पार्टी में शामिल होने वाले लोगों को जोड़ा जाता है। लोग इन पार्टियों में मौज मस्ती करते हैं। मौज मस्ती से उनका मतलब नशा, दारू, सपेरे, सांपों के विष, ड्रग्स, लड़कियां, लाउड म्यूजिक और डांस से होता है। रेव पार्टी इन सारी चीजों का कॉकटेल होता है, जहां लोग नशा करने के लिए सारी हदें पार कर देते हैं। इसलिए इन पार्टियों में नशे के लिए अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। आपको बता दें कि गोवा, मुंबई, दिल्ली में यह पार्टियां होना आम बात है, मगर NCR, जयपुर, लखनऊ और बेंगलुरु के लोग भी अब इसकी जद में आ रहे हैं। इन पार्टियों में लोग ऐसे ड्रग्स लेकर पूरी रात नाचते हैं। ये पार्टियां बड़े बड़े होटल्स, फार्म हाउस में होती हैं। यहां बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग आते हैं। एक एक पार्टी के लिए लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। इन पार्टियों के लिए लड़कियां भी होती हैं। कई बार बाहर से विदेशी लड़कियां भी बुलाई जाती हैं, जो पार्टी में मौजूद लोगों का मनोरंजन करती हैं। नशे में लोग उनके साथ संबंध भी बनाते हैं। इन पार्टियों में लोग अपने बजट के हिसाब से नशा करते हैं। वे ऐसा ड्रग्स लेते हैं जिसके बाद 7-8 घंटे तक डांस कर सकते हैं। अधिकतर लोग एसिड और एक्सटेसी नामक ड्रग्स लेते हैं, जिन पर बैन लगाया गया है, मगर ये रेव पार्टियों में आसानी से उपलब्ध होते हैं। रेव पार्टी में जिनके पास पैसा होता है, वे तो महंगे से महंगा ड्रग्स और सांपों के विष वाला ड्रग्स भी लेते हैं, मगर जिनके पास नहीं होता, वे हशीश या गांजे से भी काम चला लेते हैं। जिस रेव पार्टी मालमे में एल्विश यादव का नाम सामने आया है, उसे एस्कॉर्ट एजेंसी के जरिए लोगों का बुलाया गया था। इस पार्टी के लिए बाहर से विदेशी लड़कियां भी बुलाई गई थीं। वहीं पुलिस की जांच में कोबरा सहित 9 जहरीले सांप भी बरामद हुए थे। इन पार्टियों में सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स पर्सन के भी नाम सामने आ चुके हैं। आपको बता दें, ये पार्टियां रात के समय की जाती हैं। इस बारे में किसी को खबर तक नहीं चलती। ये पार्टियां पूरी तरह से बैन हैं, फिर भी गुपचुप तरीके से की जाती हैं। लोग इन पार्टियों में अलग अलग तरह का नशा करते हैं। ये उनके लिए एंजॉयमेंट होता है। रेव पार्टियों में काफी लाउड म्यूजिक बजता है, जो 60,000 वाट तक भी चला जाता है। इस तरह की पार्टी में कोई रोक टोक नहीं होती। लड़के लड़कियां करीब आते हैं, वे नशे के लिए सांपों से भी खुद को डसवाते हैं। इन पार्टियों में सपेरे भी बुलाए जाते हैं, जो सांपों का खेल दिखाते हैं। कुल मिलाकर रेव पार्टियों में लोग नशे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बाकी आप ऐसी पार्टियों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।